खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इरफान खान की हालत में सुधार आया है, इन दिनों वह गाना सुन रहे हैं और व्हाट्सएप भी कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, यह हम नहीं बल्कि निर्माता, निर्देशक, संगीतकार विशाल भारद्वाज कह रहे हैं। हम सब जानते ही हैं कि विशाल इरफान के करीबी में से एक है। इरफान खान का इलाज चल रहा है, उन्हें ब्रेन कैंसर हुआ था, यह खबर तो आप सबको पता ही होगी। विशाल भारद्वाज भी उनका आने का इंतजार कर रहे हैं। विशाल जी, काफी समय से हम लोग दुआएं वगैरह भी दे रहे हैं, कुछ हमें बताएं इरफान जी कैसे हैं सर, कुछ थोड़ा बहुत आपसे कोई संपर्क हुआ हमें कुछ तो बताएं। इरफान टच में रहते हैं मेरे, और मेरी उनसे बात होती रहती है। इरफान रिकवर कर रहे हैं एंड हम सब लोग दुआएं कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्दी वापस आएंगे और फिल्मों में दोबारा काम शुरू करेंगे, और उनसे बातचीत होती रहती है। वो आजकल गाना गाते हैं और उस पर व्हाट्सएप पे गाना रिकॉर्ड करके भी भेजते हैं, लोरी भी गाते हैं, और वो क्रिकेट तो देखते ही हैं वहाँ से। कौन सी लोरी मतलब उन्होंने बताया कुछ ऐसा, अगर आप? नहीं, वैसे तो नहीं बताऊंगा मैं। अच्छा सुनिए, आप से दीपिका के साथ में भी जो फिल्म थी ये पूछ रही थी। सर तो ये दीपिका और इरफान की कब तक शेड्यूल की जाएगी, आपने रीशेड्यूल किया होगा? जैसे इरफान वापस आ जाएंगे ठीक होके, वैसे ही हम इस फिल्म को रोल करेंगे। सर आप हमें बताएंगे ना ट्वीट करके कब आ रहे हैं? बिल्कुल। सर आर यू ऑल्सो वर्किंग विद प्रियंका चोपड़ा फॉर योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट? जी। आर यू ऑल्सो वर्किंग विद प्रियंका चोपड़ा फॉर योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट? जी हाँ, प्रियंका के साथ मुझे काम करना है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हर। आप भी मतलब क्या चीज हो, क्या गवर्नमेंट क्या अगर आपने।